एक व्यक्ति अपनी ससुराल गया, गांव का रहने वाला था, पत्नी शिक्षित मिल गई, ससुराल पहुंच गया बिना सूचना के। उसकी देवी ने बड़ी प्रशंसा कर रखी थी कि बड़े सुयोग्य हैं, बहुत समझदार हैं। तो उसकी सहेलियां इकट्ठी हो गई, वो भोजन के लिए बैठे, पत्नी मन ही मन डर रही थी कि इतनी इनकी बात बनाई है पर ये कैसे हैं सो तो मैं जानती ही हूं। चलो तो गांव की परंपरा, वो भोजन बनाने बैठी चूल्हे पर और उसने सामने उनको बिठाया भोजन करें। अब उसकी सहेलियां परोस रही थी भोजन बार बार, पूड़ी साग थाली में आया वो ऐसा विचित्र आदमी, एक पूड़ी उठा गए, सोच रहा था छोटी सी पूड़ी है इसके टुकड़े करना ग्रास करना तो बेकार है, पूड़ी ही ग्रास है। वो एक पूड़ी में साग रखे और एक, अब उस देवी को बड़ा संकोच लगा, बड़ी लाज लगी, किसने नाक कटवा दी। और सहेलियां मुस्कुरा मुस्कुरा कर कहें जैसा आपने कहा था वैसे ही हैं, बड़े समझदार हैं बहुत ही। तो महिला बड़ी विवेकवती थी, उसने सोचा कि बात किसी तरह बन जाए, तो वो तो पूरी खाए जा रहे। अब उसको था कि ये हमारी तरफ देखें तो हम इशारा करें। तो जैसे उस उधर देखा तो उसने भोजन बनाते बनाते इशारा किया, उंगली द्वय उठाई गंवारपन पति को देख कि एक एक पूरी के ग्रास दुई करें जा। दो उंगली उठाई कि कम से कम एक पूरी के दो टुकड़े तो करो, इतनी छोटी भी नहीं है कि तुम दो टुकड़े ही ना करो। पति ने समझा कि हमारी पत्नी पूरी सहानुभूति के साथ कह रही कि थके हुए हो इतनी दूर से चलकर आए, एक पूरी में क्या होता है, दो दो। अब तो एक पूरी उठावे उस पर साग रखे, दूसरी पूरी उसके ऊपर रखे, द्वे द्वे को चावे लाग्यो मूढ़ जब एक साथ। तो पत्नी ने अपना माथा पीट लिया, समझाने वाले तभी माथा पीटते हैं कि समझने वाला उल्टा ही समझे। तो माथ ठोक त्रिया कहें लाज सो डरे जा, मथा पीटा कि लाज तो न कुछ तो समझ। पति ने समझा, ओ बड़ी भूल हो रही थी, पत्नी कह रही है कि ये पूड़ियां साधारण नहीं है, पूजा की पूड़ियां हैं, इन्हें पहले प्रणाम करो माथे से लगाओ फिर खाओ। पतिदेव समझे कि पावे के प्रथम इन पूजनीय पूरन को शीस पे धरे जा। अब तो वो दो पूड़ी और साग फिर माथे से लगाओ फिर खाए। तो पत्नी ने अवसर देखा तो पति को समझाने के लिए चूल्हे से बोली, एक लकड़ी लगाई अग्नि प्रज्वलित की और बोल उठी रोष भरी चूल्हे से चतुर नारी। और चतुर नारी ने यही कहा कि अरे चूल्हे जैसो जरे आयो प्रथम तैसो ही जरे जा, इससे तो तू पहले ही अच्छा था, जैसा जल रहा था वैसे ही जलता रहे, समझाने से तो और उल्टा हो गया।